बाबा आपकी बहू को शिकवा है कि मैंने इसे बिजनेस में क्राइसिस के बारे में नहीं बताया। जैसे ये तो जानते ही नहीं। आंटी मैं सच में नहीं जानती थी। कमाल है, घर में मुट्ठी भर तावीज बरामद हो रहे हैं और इन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं है। दुर्दाना बस कर दो ये बहस प्लीज। बाबा आप परेशान मत हो, अल्लाह कभी नेमतें देकर आजमाता है और कभी कभी इंसान से नेमतें लेकर आजमाता है। मतलब ये कि सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए और इंसान अल्लाह की मर्जी समझकर खामोश हो जाए। हाँ दुर्दाना, इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है। एटलीस्ट उन्हें तो ट्रेस आउट कर सकता है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। बाबा आप कोशिश क्या करें कि आप सदखा दें। सदखा और खैरात बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है। काश हर बला टल सकती उससे। आरिस जी नाश्ता करो। जी आइए बेटा। कोशिश तो हमेशा यही होती है कि जब भी कोई इनकम आए उसका एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, लेकिन अब जो बात तुमने कही है उसके बाद मैं ज्यादा कोशिश रहूंगा। सदका अल्लाह के साथ तिजारत है बाबा। अल्लाह की राह में जितना भी अच्छा देंगे अल्लाह उसे कहीं ज्यादा अच्छा निबल बदल देगा। तुम्हारा मतलब यह है कि जो कुछ बच गया है वो सब कुछ लुटा दिया जाए। अल्लाह पे भरोसा है तो सब कुछ लुटाने में कोई हर्ज नहीं आंटी। गुड, वेल सेड, बहुत अच्छी बात की हमारी बेटी। गुड। सदखा अल्लाह के साथ तिजारत है बाबा। अल्लाह की राह में जितना भी अच्छा देंगे अल्लाह उसे कहीं ज्यादा अच्छा निबल बदल देगा।